देख रहा हूँ, मंच को देख रहा हूँ, सभागार को देख रहा हूँ, इन जिन चीजों को तुम देख रहे हो उन सभी चीजों में तुमको प्रकृति नीति जो भी है प्रकृति नीति और व्यवहार मिलेगा ही मिलेगा और वहीं से शुरू करें। तो आपका जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा होती है, मैं वर्तमान से ही शुरू करता हूं। हमारे गुरु मिले अभिवादन दिवस्य नित्यम नित्यम वस्तुओं सेवन तत्वादि सेवन्ते आयु विद्या दशो बलम, ये है भारतीय ज्ञान परंपरा। अभिवादन किया होता मैंने और इस अभिवादन करने से क्या चीजें मिलती है, आयु विद्या दशो बलम कारण। और देखिए इसको मैं खींच देता हूं विष्णु कुमार का, ये तो बूढ़ा आदमी है मुल्क में, आ रही हिंदी ना संस्कृत के बाद, ये तो बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशन दान। और मेरे एक मित्र हैं, वो अक्सर कहा करते हैं, बूढ़े हो गए हैं, मुझसे भी वो उतार वर्ष बड़े हैं, कहते हैं कि कौन कहता है कि बूढ़ा हो गया, कौन कहता है कि बूढ़ा हो गया हूं, प्रथम था चावल तो चूड़ा हो गया, जब चाहो तब खाओ, दिन में लेकर के घूमते हुए खाओ, कहीं चूड़ा के साथ खाओ, सुबह खाओ शाम खाओ खाओ, और उपयोगी है। तो भाई वृद्धाश्रम में जो दे देते हो बूढ़ों को ये बात ठीक नहीं। ज्ञान परंपरा जो हमारी है वो अद्भुत है, लेकिन उस ज्ञान परंपरा में सबसे पहले महत्व जो भी ज्ञान है मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, हम यहां उपस्थित हैं, कैसे उपस्थित हैं, अपने ज्ञान से हम उपस्थित नहीं हो गए, पहले अपने शरीर से हम उपस्थित हैं। शरीर बहुत बड़ी चीज है, वेदों ने, उपनिषदों ने, ब्राह्मणों ने, स्मृतियों ने, पुराणों ने, इतिहासों ने, महाकाव्य ने कभी नकारा भी है इस शरीर को और कभी स्वीकारा भी, लेकिन अधिकतर स्वीकारा है। जितने ही अच्छे कवि हुए हैं, महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, उन सब ने शरीर को स्वीकारा है। आदिदास के क्या था तो बैठे हुए कुमार संभोग ने जब सप्तर्षि समझाने जाते हैं पार्वती को कि भाई तुम तपस्या मत करो, विकट तपस्या कर रही हो, तुम्हारा शरीर गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो शिव को पाकर ही क्या करोगे, क्यों उसके लिए तपस्या कर रही हो, मत करो। क्या कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सोचो मित्रों, दो मिनट भी आंख बंद करके क्या आप इस शरीर के बारे में सोचते हो, ईमानदारी से बताना, नहीं बिल्कुल नहीं। दो मिनट ये हाथ, इसके प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त की है, ये पांव जो हमेशा आपको चलाते हैं, इसको कभी धन्यवाद ज्ञापन किया है, नहीं किया है। शरीर माध्यम धर्म साधनम, अब धर्म क्या है उसके लिए फिर हमारा आयुर्वेद चलता है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों के लिए जो है शरीर ही उपाय। इसलिए सबसे पहले हमें जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान मिला है शरीर, शरीर इसको संपादन, इसको देखो, और जब यह शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारा ज्ञान आएगा। शिक्षक ने क्या कहा है, नायम आत्मा बलहीने न लभ्यः, आत्मा को पाने चले हो और आत्मा को पाने चले हो तो सबसे पहले सबल होना पड़ेगा। शरीर जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं, इसलिए सबसे पहले मैं ज्ञान परंपरा में आप
यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम शरीर की शादी, हमारा शरीर कितना स्वस्थ रहेगा, इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हम जो खान पान करते हैं उसके बारे में कहा गया है, गीता में कहा गया है कि शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों प्रवृत्तियों के भोजन कैसे होने चाहिए, स्निग्धा दशा स्थिरा। जो सत्ववादी हैं उनका भोजन स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और रसपूर्ण होना चाहिए। गीता में भोजन का क्या प्रश्न है? गीता तो कहते हैं ना युद्ध की पुस्तक है ना, लेकिन उसके भी उसमें भी अर्जुन को यही समझाते हैं कि नहीं, तुम स्थिर भोजन करो, तुम स्निग्ध भोजन करो, तुम रसपूर्ण भोजन करो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और सब कुछ नियंत्रित। हमारे यहाँ एक आचार्य, हमारे यहाँ तीन छह वैद्य गुरु हैं, तीन आयुर्वेद गुरु हैं। मैं जानबूझ कर अंजनी जी को छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि उन्होंने इतिहास तो कह ही दिया है आपके साथ। मैं दर्शक ये जो विषय है, ये तो यहाँ एक महासागर है, इसके दो चार छींटे भी अगर पड़ जाए हैं शरीर पर तो उस शीतलता में ही इतना आदमी आनंदित हो जाएगा कि विश्राम की कामना करेगा, बढ़ेगा ही। इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें आपसे कहूंगा जो मैं जानता हूं कि संभवतः आप नहीं जानते। खान पान क्या कहा गया है भाई, कि हमें उठना कब कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, हमें रहना कैसे चाहिए, किसी को सहना कैसे चाहिए, चलना कैसे चाहिए, ये सारी बातें हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। दिनचर्या हमारे यहाँ छह वैद्य गुण है, बृहत प्रेम और रघु चरक सुश्रुत और वाग्भट, ये आयुर्वेद की बृहत प्रेम मानी जाती है, और भाविष शारंगधर और मानव सिंह, मानव सिंह देखिए सिंह भी हुए हैं वे सुन सकते जी, तो माधव सिंह का माधव निदानम है, तो ये तीन लघु त्रय में आते हैं। और वाग्भट, वाग्भट का बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे, स्लेट मिलता होगा, पता नहीं आप लोगों ने स्लेट पर नहीं ही पढ़ा होगा, हम लोगों ने स्लेट पर पढ़ा है, हो सकता है कुलपति महोदय भी स्लेट पर पढ़े। तो स्लेट जब स्लेट में अक्षर नहीं उगते थे तो हम लोग क्या करते थे, भेंगरिया एक होता है भेंगरिया, उसको उस स्लेट पर मलती थी और फिर वो स्लेट काला हो जाता था, फिर उस पर खूब अक्षर बनते थे। बचपन में यह कार्य करता, जब बड़ा हुआ तो मुझे श्लोक मिला वाग्भट, ये मास अनेकम सरसम पिबंती, क्या अमृत है वो भेंगरिया भेंगराज, इसका का तेल आप लोग लगाते होंगे, ये माश अनेकम स्वरसम पिबंती दीने दिने भृंगरज समुत्थम क्षीरा स्मृति के बल युक्ता समा सतम जीवित मापी। भृंगराज का रस स्वरस, स्वरस कल पाक पांड और सी पांच प्रकार से औषधियों का प्रयोग होता है। स्वरस हुआ हथेली पर मले तुलसी का पत्ता और उसको घोट दिया, ये बहुत काम होता है स्वरस। उसके बाद पीस करके उसका रस बना करके पियो, वो कल्प होता है। इसके बाद पाठ गर्म करके पियो, बात होता है। इसके बाद फांट बनाओ, तो सब तो कहते हैं बनाना। तो एक मास अगर भृंगराज का स्वरस पिया जाए और केवल दुग्ध पान किया जाए तो वह व्यक्ति गर्भायु होगा और 100 वर्ष जिएगा, निश्चित जिएगा। लेकिन आप कर सकते हैं क्या? नहीं। ये बृहत त्रयी में से एक की बात है, लघु त्रयी में भाव विषय है। आप पान खाते हैं, हमारे गुरु जी पान खाते हैं, उस पान में एक बार इन्होंने पूछा था हमसे भाई कितने गुण हैं क्या हैं, तो भाव विष्णु कहते हैं 13 गुण है पान में, 13।
तांबुलम। फिर से सुनिए श्रीमन, आप फिर से सुनिए, तांबुलम कटु ठीक, मुश्रम मधुरम क्षारम कषायान्वितम, कितने गुण है इसमें, तांबुलम कटु तिक्त मुश्र मधुरम क्षारम कषायान्वितम वातघ्नं विनाशनं कपहरं दुर्गंधि दोषापहम। वक्त्रस्याभरणम का विषय, वक्त्रस्याभरणम विशुद्धिकरणम कामाग्निसंदीपनम, सावधान कामाग्निसंदीपनम मान्यता कामाग्निसंदीपनम तांबूलस्य सखे त्रयोदश गुणा स्वर्गे च वर्णितम। स्वर्ग में भी दुर्लभ है ये पान, लेकिन सब क्षमा कीजिएगा, लेकिन इसे खाया कैसे जाए यह भी भाव इसमें बताया है। प्रभाते पुंगम अधिकम मध्याहे खजिरंग तथा, जैसे जैसे वातपित्त कब बढ़ता है उसके अनुसार बताते हैं। प्रभाते पुंगम अधिकम, सुबह में सुपारी अधिक चाहिए, चूना और कथा कम चाहिए। मध्याहे खजिरंग तथा, मध्यान्ह काल में कथा अधिक चाहिए, सुपारी और चूना कम चाहिए। अनुसाराष्ट्र चूर्ण अधिकम, और रात्रि में चूना अधिक चाहिए, कैल्शियम मिले कथा दोनों कम हो जाए। तांबुल भक्षे सर्वदा, हमेशा पान ऐसे ही खाओ। शरीर की ऋजुता तभी होती है, रोगवत व्यक्ति तभी हो जाता है जब इन नियमों का पालन नहीं करता है। हमें अगर कुछ होना है, हमें 100 वर्ष जीना है, तो हमें कम से कम अपने खान पान पर आयुर्वेद के अनुसार विचार करना चाहिए। मेरे शरीर में अब तक कठिनाई से 1000 का एंटीबायोटिक गया होगा, हो सकता है वो भी बलात् गया होगा, बच्चों ने जब आग्रह किया कि नहीं अब खाना ही पड़ेगा आपको, तब खाया। आप डट जाइएगा, आप संकल्प हो जाइएगा, तो आप वो कर सकते हैं, इसमें कहीं वो मत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, रामायण महाभारत या फिर इसको उछल वगैरह की तरफ, ये कैसे जान है और ये कैसे हिंदी तक आ गए हैं। कठोपनिषद बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है, उसमें 6th class में ही वो नचिकेता की कथा है, 6th या 7th वर्ग में नचिकेता की कथा है, माधव शर्मा उसकी कथा है। अब देखिए कठोपनिषद और इधर देखिए कौर नारायण, 21वीं शताब्दी में माधव शर्मा के महान 1014 में यह किताब है। और मजे की बात है कि बाप बेटा दोनों के नाम का अर्थ होता है अग्नि, नचिकेता का भी अर्थ अग्नि है और वाजश्रवा का भी अर्थ अग्नि ही है। ये समागम देखिए, यह हम कहेंगे कि उपनिषदों में जिस किसी ने भी ये नामकरण किए हो, ऐसे नाम ग्रहण किए हो, एक नचिकेता मृत्यु से जीवन की ओर देखता है। कौर नारायण की दोनों किताबें जो है वाजश्रवा के बहाने और एक जो है वो नचिकेता को लेकर के, हाँ वो दोनों, ये दोनों पुस्तकें जो हैं नचिकेता आता है मृत्यु से जीवन की तरफ और वाजश्रवा जाते हैं जीवन से मृत्यु। क्यों ऐसी बात आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, ये कहीं व्यक्ति लिखता है दो पुस्तकें, कौर नारायण लिखती है, और दो विचार दो सिद्धांत, इसे हमें समझना होगा। इस पर मैं थोड़ी देर रुकूंगा। मृत्यु से जीवन की ओर आए, यह क्या है? हम मृत्यु पर सोचते हैं और जब ही हम मृत्यु पर सोचते हैं तो हमारे भीतर यह भावना तुरंत उठती है कि हमारा शरीरांत हो जाएगा, शरीरांत हो जाएगा हमारा। लेकिन सच पूछिए तो आपका शरीरांत होता है, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं आत्मदेही में, इन भावनाओं पर ही कौर नारायण ने जम कर लिखा है कि हमारी भावना कभी नहीं बनती। जिसको आप कहते हैं
सूक्ष्म शरीर या उससे भी आगे बढ़कर कारण शरीर, वो शरीर कभी नहीं बनता है। इसलिए हमें यह करना है, क्या करना है, कहते हैं पूर्ण नारायण कि हमें करना यह है कि हम इस भाव शरीर की सुरक्षा करें, उसको मलिन न होने। हमारा भाव शरीर जब मलिन होगा, और भाव शरीर कैसे मलिन होगा, जब तरह तरह के विचार आएंगे, आप संसार में मोहग्रस्त रहेंगे, संसार को ही देखेंगे, भूल गया राग रंग, भूल गई है कड़ी, किंचित याद करे नून तेल लखन। इसमें जब आप व्यस्त हो जाएंगे तो आपका भाव शरीर मर जाएगा, और जब भाव शरीर मर जाएगा तो कुछ नहीं है। आपका नाम अमर होता है क्यों, नाम क्या है, आपका नाम क्या है, भावी और क्या है, आप नाम से ही जाने जाते हैं। आपके प्रधानमंत्री जो को भी हो, कहीं हो, आपके कुलपति महोदय सर्वत्र आपके साथ रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं, लेकिन कुलपति है, कहीं ना कहीं कुलपति है भाई, उनका संभ्रम आतंक नहीं, संभ्रम, उनका संभ्रम तो सब जगह बना रहता है ना। इसलिए वह भाव शरीर ब्रह्म राम के नाम बड़ नायक, इनकी उपस्थिति से अधिक इनका नाम है, नाम चलता है। मृत्यु से जीवन की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर बेटा आता है। मृत्यु से जीवन की ओर आने का अर्थ है कि आप अपने भाव शरीर को सुरक्षित रखें। देखिए कलयुग का आदमी, कलयुग ही कहेंगे ना, कुंवर नारायण, लेकिन कितनी दीप्त कथा लिखी, कितनी प्रदीप्त बात कहती, और कितनी सूक्ष्म बात कहती, कितनी पूर्ण बात कहती। कठोपनिषद में जो बात कही गई है, मैं कहूंगा कि उससे आगे बढ़कर नहीं तो ठीक, उतनी बात अवश्य कहते हैं कि हम अपने भाव शरीर की सुरक्षा करें। हमारा भारतीय विज्ञान यही है कि हम अपने भाव शरीर की सुरक्षा करें। बेटा आता है उधर से, वो भाव शरीर की बात करता है, और पिता जाते हैं इधर से, जीवन से, यानी कर्म शरीर से, कर्म शरीर से जाते हैं वो मृत्यु की तरफ। यह भी वही बात है, देयर इज नथिंग गुड और बैड, बट थिंकिंग नथिंग शुड, अच्छी और बुरी चीज कोई है नहीं, हमारे विचार ही किसी चीज को अच्छा और बुरा बनाते हैं। कोई मृत्यु से जीवन की ओर आता है, कोई जीवन से मृत्यु की ओर जाता है। जीवन से मृत्यु की ओर जाकर हम क्या करें, हम सामान्यतः साधारण ढंग से यह सोचेंगे कि हम मर गए, हम मर गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन से मृत्यु की ओर का प्रयाण जो है, वह संपूर्ण चिंतन है। कौन नारायण कहते हैं कि वह जीवन का वह सारा चिंतन है हमारा, कि हम मृत्यु की ओर जो प्रयाण कर रहे हैं, उस चिंतन को, उस चिंतन को हम जुगा करें, उस चिंतन को हम जुगा करें, और उस चिंतन को जुगा कर चलेंगे तो फिर हमारी मृत्यु नहीं होगी। दोनों बातें कही है, उस तरफ की बात एक ही है और इस तरफ की भी बात एक ही। इसलिए जीवन और मृत्यु की साधना हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन और मृत्यु की साधना बतलाई कि अगर जीवन को साध लोगे तो मृत्यु भी नहीं टच करेगी, और मृत्यु को साध लोगे तो जीवन हमेशा तुम्हारा बना रहेगा, हमेशा तुम्हें टच करेगा, इससे बढ़कर क्या बात। आप इसी तरह से हमारे यहां हिंदी का भी जितने मिथक लिखे गए, मिथक का एक कंठ विस्पाई हो दुष्यंत कुमार का, या नरेश मेहता की संशय की एक रात हो, धर्मवीर भारती का अंधा युग हो, ये सारे के सारे काव्य नाटक जो हैं मिथक पर ही लिखे गए हैं, और ये सब क्या बतलाती है, सब मनुष्य का द्वंद बतलाती है। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम इस जन्म को अपनी धन्यता प्रदान करें, और अपनी धन्यता हम ऐसे ही प्रदान करेंगे जब हम रूढ़ियों का एक कंठ विस्पाई हो, या नरेश मेहता की संशय की एक रात हो, ये सब आधुनिक युग के अनुसार जो हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक विडंबनाएं हैं, उन सब पर प्रहार करते हुए ये सारी बातें
उन लोगों ने कही है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा से अगर हिंदी की खोज कीजिएगा तो हिंदी में बहुत सारी ऐसी बातें आज हैं, सब कुछ है। इसमें अभी वास्तुकला की बात कही थी अंजनी जी, इसमें वास्तु सिद्धांत भी है, कहाँ रहें कैसे रहें, धनिकास्तुत किया राजा नदी वैद्यस्त पंचमम पंच यत्र विद्यन्ते तत्र वासं न कार्य, वहाँ वास भी नहीं करना चाहिए, निवास भी नहीं करना चाहिए, जहाँ धनी नहीं हो, जहाँ विपाठी नहीं हो, और जहाँ राजा नहीं हो, जहाँ वैद्य नहीं हो, जहाँ नदी नहीं हो। तो मित्रों, समय की सीमा को देखते हुए मैं चाहता हूँ, चाहूँगा कि अपने अभिभाषण को यही संपूर्ण करूँ, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने धैर्य से और इतनी सावधानी से मुझे सुना है। फिर से एक बार मंच का अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।